हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी रियल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली पे सब कोई चाहते हैं कि उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लगे और बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन लगे। तो वैसे तो दिवाली पे बहुत सारे पार्लर्स की बुकिंग होती थी, लाइक पार्लर्स में लंबी लंबी जो है लाइनें लगती थी कि फेशियल करवाने के लिए। लेकिन इस बार क्या है कि कोरोना की वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जो पार्लर्स में नहीं जा पाते, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो विंटर्स में अपनी स्किन की बहुत ही अच्छी सी देखभाल करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो है केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहते। और ट्रेडिशनल चीजें जो है, जैसे उबटन वगैरह बनाने में टाइम बहुत लगता है और बहुत ज्यादा जो है मैसी हो जाता है सब कुछ, एकदम से रेडी नहीं मिलता। तो आज मैं आपके लिए उसके लिए बहुत ही अच्छी सी चीज लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए वाव स्किन साइंस की उपटन रेंज लेके आई हूँ, जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो स्किन है उसको ब्राइटन अप कर देती है, ग्लो एक अच्छा सा आ जाता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले है वो है ये वाव का जो है फेस वॉश। ये बिल्ट इन ब्रश के साथ आता है और ये उपटन फेस वॉश है। तो इसके अंदर उपटन की सारी सारी प्रॉपर्टीज हैं, गुड प्रॉपर्टीज हैं। और ये जो बिल्ट इन ब्रश है ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इससे जो है आपका क्लेंजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है और आपको हाथ को भी मैसी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है ये वाव का स्क्रब है, ये आप यूज कर सकते हो फॉर स्क्रबिंग और डेड स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल देता है। मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको एक एक करके यूज करके दिखाऊंगी। इसके बाद आप वाव का ये जो पैक है, ये उपटन फेस पैक, ये यूज कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और किसी तरह के केमिकल यूज नहीं किए हुए हैं, तो ये बात सबसे अच्छी है। और ये देखिए, ये उपटन फेस सीरम है लास्ट में, जो कि आप एक्स्ट्रा ग्लो के लिए यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये वाव की स्किन रेंज, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वाव स्किन साइंस के इस उपटन फेस वॉश के बारे में। ये उपटन फेस वॉश जो है फोमिंग फेस वॉश है, और इसके साथ इस तरीके से देखिए ये बिल्ट इन ब्रश मिलता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे जो है आपको हैंड्स यूज करने की भी जरूरत नहीं है और हल्का सा जो है मसाजिंग हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन है जो वॉश हो जाती है। तो मैं अभी आपको स्किन को अच्छे से वॉश करके दिखाती हूँ। तो आपको बस क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से जो है इसको प्रेस कीजिए और ये देखिए इस तरीके से फोम बाहर आ जाएगा, और बस उसके बाद आप अच्छे से जो है इसको प्रेस करते जाइए और इसको जो है वॉश कर लीजिए। इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी है, प्लेजेंट खुशबू है, और इससे आप जो है लगातार इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अच्छे से जो है स्किन को क्लीन कर सकते हैं, और ये जो है आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, सपल बना देगा, और साथ में जो क्लेंजिंग होगी ना वो बहुत ही अच्छी होगी। तो अभी मैं ये जो है इसको कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, वाव के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये टोटली नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर कोई भी पैराबीन यूज नहीं किए हुए हैं, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी जो खुशबू है हल्की हल्की गुलाब जैसी है। बाय द वे फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इको फ्रेंडली हैं, इनके अंदर कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं की है, तो ये अगेंस्ट द एनिमल क्रुएल्टी है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये देखिए क्लेंजिंग हो रही है। इस ब्रश की सहायता से ना आप बहुत अच्छे तरीके से क्लेंजिंग कर सकते हो। तो अभी मैं जो है फेस को अच्छे से वॉश कर लूंगी और इसके बाद जो है हम स्क्रब करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बात कर लेते हैं ये वाव स्किन साइंस के उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब के बारे में। और ये जो उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब है, ये देखिए इसका जो टेक्सचर है ये इस तरीके का है, और इसके अंदर जो है बादाम है, इसके अंदर जो है हल्दी है, और इसके साथ साथ इसमें बेसन है। इसका जो टेक्सचर है ये देखिए इस तरीके से है, हल्का सा जो इसके अंदर है दाने दाने हैं। खुशबू भी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल उपटन जैसी ही खुशबू आ रही है इसमें। तो मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ हाथ में, और उसके बाद ये जो स्क्रब है इसको हम अप्लाई करेंगे फेस पे। सर्कुलर मोशन में अप्लाई कीजिए। इसके अंदर ना ये जो रेंज है पूरी, इसके अंदर जो है ना सारी की सारी चीजें वो यूज की गई हैं जो कि ट्रेडिशनल उपटन में यूज होती थी। तो इसके अंदर मुझे लिटरली खुशबू आ रही है बेसन की, और इसके अंदर गुलाब के पत्तों का यूज किया गया है, इसके अंदर हल्दी का यूज किया गया है जो कि उपटन का मेन इंग्रेडिएंट है, और इसके अंदर सैंडलवुड का यूज किया है। साथ ही साथ ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये नेचुरल चीजें हैं,
आप इनको वीक में एक या दो बार यूज कर सकते हो। ये जो स्क्रब है इसको आप बॉडी पे भी यूज कर सकते हो। जो अभी ब्राइड्स बनने वाली हैं या जिनकी शादी जो करीब आने वाली है वो ये यूज कर सकते हैं। और दिवाली है, फंक्शंस हैं बहुत सारे अभी नेक्स्ट कमिंग मंथ में, तो आप इसको जो है यूज करना शुरू कर सकते हैं। और ये जो स्क्रब है इससे जो फेस पे एजिंग एकदम से जल्दी आने लग जाती है ना, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, फाइन लाइंस कम हो जाती हैं। तो इसको कम से कम हमें 2 से 3 मिनट तक जो है अच्छे से मसाज करना है। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स कम होते हैं इससे। तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ एक बार और उसके बाद हम लगाएंगे फेस पैक। ये जो है उपटन फेस एंड बॉडी पैक है, इसको आप बॉडी पे भी यूज कर सकते हो, फेस पे भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल है। इसके अंदर डाला हुआ है बादाम बिल्कुल बारीक बारीक पिसा हुआ, इसके साथ साथ बेसन डाला हुआ है, इसके साथ साथ इन्होंने केसर भी डाला है इसके अंदर, और जो है रोज वाटर डाला हुआ है। जो भी सारी चीजें जो उपटन में हम यूज करते हैं, केसर डाला हुआ है, हल्दी डाली हुई है। तो ये जो फेस पैक है इसको मैं यूज कर लेती हूँ और इसका जो टेक्स्चर है बिल्कुल क्रीमी है, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है। तो थोड़ा सा पानी के अंदर हाथ को डिप करके और इसको मैं लगा लेती हूँ फेस पैक को। इसके साथ बाय द वे ये ब्रश भी दिया हुआ है, अगर आप ब्रश से लगाना चाहो तो ब्रश से भी लगा सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा ब्रश लगा मुझे, ये देखिए इस तरीके का। तो ये जो फेस पैक ब्रश है चलिए इसी से लगा लेते हैं। तो इससे लगाना बहुत ही आसान है, आपको इस तरीके से लेना है अमाउंट थोड़ा सा और जो है फेस पे इसको लगा लेना। इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है और वीक में एक या दो बार आप इसको लगा सकते हो। स्मेल भी बहुत ही नाइस है, बिल्कुल जैसे उपटन की स्मेल होती है बिल्कुल वैसी ही स्मेल है इसकी। ये देखिए ये फेस पैक मैंने अप्लाई कर लिया है, 15 से 20 मिनट इसको लगे रहने देंगे, उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी फेस सीरम जो कि एक्स्ट्रा एडिशनल ग्लो के लिए आपको काम आएगा। मैंने जो है फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो स्किन पे एकदम से ब्राइट ग्लो आ गया है। मैंने कोई भी मेकअप अभी नहीं कर रखा है तो ये जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इंस्टेंटली ग्लो आ जाता है। 2 से 3 स्टेप्स किए हैं और उसकी वजह से स्किन जो है एकदम से ग्लो आ गया है इसमें। और इस चीज को अभी जो है अच्छे तरीके से सस्टेन रखने के लिए, लंबा चलाने के लिए इसके बाद मैं सीरम लगा रही हूँ और मॉइस्चराइज भी करने के लिए फेस को। तो ये जो है उपटन फेस सीरम भी है इसमें वाओ के रेंज में। और ये जो है ऑयल फ्री फेस सीरम है, तो ये हम लगा लेते हैं। इसको मैं इस तरीके से 2 से 3 बार पंप करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और इसका जो कलर है ये देखिए ये येलोइश टोन में है और ऑयल फ्री ये फेस सीरम है। तो इसको हम लगा लेते हैं और इसको जो है हमें इस तरीके से लगाना है। की भी खुशबू जो है केसर की खुशबू आ रही है इसमें से और ये जो है ग्लो बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। इसके अंदर भी जो है सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल है। ये फेस सीरम है फ्रेंड्स, ये सारी स्किन टाइप को सूट करता है। साथ में ये एंटी टैनिंग है, तो इससे अगर आपको फेस में टैनिंग हो रही है या फिर जो है स्पॉट्स हो जाते हैं छोटे छोटे उनको भी रिड्यूस करता है। और साथ में फ्रेंड्स ये जो है रेडियंस बूस्ट करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस पूरी रेंज को वाओ की। इनके जो लिंक्स हैं फ्रेंड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके इसको इजीली परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो वाओ स्किन साइंस की उपटन रेंज है ये पसंद आई होगी और मेरा वीडियो भी बहुत ज्यादा यूजफुल लगा होगा और आपके जो टिप्स हैं इसमें दिए हुए वो काम आएंगे। दिवाली पे अपनी स्किन को आप भी इस तरीके का ग्लो दीजिए और आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्यूटी DIYs वीडियो मेरे इस चैनल पे आने वाले हैं दिवाली से रिलेटेड, और दिवाली की मिठाइयों से रिलेटेड वीडियोज जो है मेरे हिमांशीज वर्ल्ड चैनल पे आने वाले हैं, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा उस चैनल को भी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।